हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल बोली होली वर्ल्ड। दोस्तों, आज एक और वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सनी हिंदुस्तानी के बारे में। कैसी रही है उनकी लाइफ, कैसे उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया, उनकी लाइफस्टाइल, बायोग्राफी, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर आप भी सनी हिंदुस्तानी की सिंगिंग के फ़ैन हैं तो वीडियो कर दे लाइक। इनका रियल नेम सनी मलिक है, लेकिन जब इन्होंने इंडियन आइडल में पार्ट लिया तो इनकी सिंगिंग को देखते हुए म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ने इनका नाम सनी हिंदुस्तानी रख दिया था और तभी से लोग इन्हें सनी हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इनका बर्थ ईयर 1998 है। इनकी डेट ऑफ बर्थ की एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है और साल 2020 के हिसाब से ये 22 साल के हो चुके हैं। इनका जन्म बठिंडा की एक अमरपुरा बस्ती में हुआ है और ये एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनके पिताजी का नाम मानक राम था और वो एक सिंगर और शू साइनर थे। इनकी माताजी का नाम सोमा है और वो गुब्बारे बेचती थी, यानी वो एक बैलून सेलर थी और इसी से उनका घर चलता था। दोस्तों, सनी हिंदुस्तानी का एक भाई है और 3 बहनें हैं जिनका नेम है रेखा, शकीना एंड माया। ये पिताजी लंबे समय से एक बीमारी से ग्रस्त थे, इसके कारण उनकी साल 2014 में ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण सारी जिम्मेदारी सनी के ऊपर आ गिरी। अब आपको सनी हिंदुस्तानी के कैरियर के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं। दोस्तों, इनके सिंगिंग करियर की शुरुआत साल 2014 में ही हो गई थी। इन्होंने TMC पंजाबी के लिए एक सॉन्ग गाया था जिसका नेम था अखियां दे बूहे। उसके बाद सनी ने सोनी TV शो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा में भी पार्ट लिया था। फिर साल 2019 में इन्होंने इंडिया आइडल शो में ऑडिशन दिए और जिसमें वह सेलेक्ट हो गए। ऑडिशन में सनी हिंदुस्तानी ने नुसरत फ़तेह अली खान का एक बेहद प्यारा सॉन्ग आफरीन आफरीन गाया था। उसके बाद 23 फरवरी 2020 को वो इंडियन आइडल सीजन 11 के विनर घोषित किए गए, जिसमें उन्होंने एक ट्रॉफी, एक कार और 25 लाख रुपये का कैश प्राइज जीता था। इसके साथ साथ टी सीरीज़ के साथ एक सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट भी। इन्होंने काफ़ी सारी मूवीज़ में प्लेबैक सिंगिंग की है, जैसे साल 2019 में मूवी द बॉडी के लिए सॉन्ग रोम रोम और पंगा के लिए जुगनू और साल 2020 में रिलीज होने वाली बैड बॉय के लिए तेरी नज़र। इसके अलावा ये एक लेजेंड सिंगर अमित कुमार के साथ भी एक सिंगिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। अब बात करते हैं इनके हाउस की। दोस्तों, इनका हाउस अमरपुरा बठिंडा में है, लेकिन फ़िलहाल ये अपने फ्लैट मुंबई में रह रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।